दोस्तों आज से लगभग चार महीने पहले मुझे एक स्ट्राइक पड़ी थी और तब मेरा चैनल जो है सात दिनों के लिए बंद कर दिया गया था यूट्यूब की तरफ से और देखिए दोस्तों अभी के टाइम मैंने सात दिनों तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की आप जाकर मेरा चैनल चेक कर सकते हो अगर आप मेरे रेगुलर ऑडियंस हैं तो आपको पता होगा लेकिन दोस्तों आखिर मुझे स्ट्राइक पड़ी क्यों अगर दोस्तों आप लोग एक यूट्यूबर अगर आप लोग चाहते हो कि भविष्य में आपको कभी भी स्ट्राइक ना पड़े तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देख सकते हो क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सतर्क करना ताकि आप लोगों को कभी भी स्ट्राइक ना पड़े देखिए मैं गलती कर चुका हूं मैं चाहता हूं कि वो गलतियां मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको स्ट्राइक पड़ सकती है ठीक है तो so, चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको कुछ नॉलेज देते हैं ताकि आप लोग हमेशा सेफ रहो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि चार महीने पहले मुझे जो स्ट्राइक पड़ी थी वो आखिर क्यों पड़ी थी देखिए दोस्तों दोस्तों चार महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने क्या किया देखिए वैसे ऐसे मैं बताता हूँ ना कि चैनल आइडिया ये चैनल आइडिया वो चैनल आइडिया ठीक है तो उसमें मैंने क्या किया था एक वीडियो को डाउनलोड करना सिखा दिया था यूट्यूब की वीडियो को गूगल से डाउनलोड करना सिखा दिया था जिसकी वजह से मुझे स्ट्राइक पड़ी थी यूट्यूब का यह रूल है कि आप किसी भी सोशल मीडिया की वीडियो को डाउनलोड करना नहीं सिखा सकते खासकर यूट्यूब की वीडियो को तो कभी भी डाउनलोड करना आप नहीं सिखा सकते कि यूट्यूब की वीडियो को कैसे डाउनलोड किया जाता है किस वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है वो वेबसाइट आप लोग कभी भी नहीं दिखा सकते अगर आप ऐसा करोगे तो आपको स्ट्राइक पड़ जाएगी तो आप लोग क्या समझे कि आपको कभी भी यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड करना नहीं सिखाना है ना ही किसी भी प्लेटफॉर्म की वीडियो को डाउनलोड करना आप सिखाइए क्योंकि यूट्यूब के रूल के खिलाफ होती है आपको स्ट्राइक पड़ जाएगी अभी नहीं पड़ेगी जैसे आप डालोगे क्या पता आपको ना पड़े उसके क्या पता दो दिन बाद चार दिन बाद दस दिन बाद एक महीने बाद पड़ जाए इसलिए दोस्तों ऐसी वीडियो आप बनाना बंद कीजिए वरना आपका चैनल खतरे में जा सकता है एंड दोस्तों बात करते हैं कि अभी के टाइम मुझे स्ट्राइक क्यों पड़ी चलिए मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ क्यों पड़ी सो so, मैं यहाँ पर क्या करता हूं अपना वाइट स्टूडियो ओपन करता हूँ एंड वाइट स्टूडियो ओपन करने के बाद हमारा जो एनालिटिक्स है पूरा वाइट स्टूडियो का वो आपके सामने ओपन हो जाएगा ओपन हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कंटेंट वाले ऑप्शन पर जाता बजा मैंने किस टॉपिक पर वीडियो बनाया था जिससे मुझे स्ट्राइक पड़ा लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको जब चेक करा रहा हूँ पहले आप यहाँ पर देखिए मैंने सिखाया था यहाँ पर हाउ टू डाउनलोड कैन मास्टर ठीक है ये मैंने सिखाया था लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों से हमेशा बोला कि आप लोग कैन मास्टर के बारे में तो बताइए लेकिन

ऐसा करने पर मुझे स्ट्राइक पड़ गई अगर मैं डायरेक्ट ये बोल देता कि आप भी में जाके कर लो एडिट ठीक है हाइड कर लो लेकिन किसी को नहीं पता लेकिन कैसे हाइड किया जाता है लेकिन मैंने उस वीडियो में सिखा दिया था क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि काइन मास्टर हमारे में नहीं चल रहा हम कैसे अपने मोबाइल में काउन मास्टर यूज़ करें सो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए आप लोगों की हेल्प की जाए और आप लोगों की हेल्प के चक्कर में मेरा जो वीडियो है वो सात दिनों की अपलोडिंग जो है बंद हो गई तो इससे आप लोग क्या समझें कि कभी भी आप लोग काइन मास्टर के ऊपर वीडियो बनाओ तो काइन मास्टर के किसी भी मतलब काइन मास्टर के ऐप से छेड़छाड़ मत करो कि कायन मास्टर का ये है वो है मतलब काइन मास्टर के बारे में सिर्फ आप बताओ कि कान मास्टर वहां से डाउनलोड कर लो बस इसमें कभी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या कुछ भी मत दिखाओ कान मास्टर के बारे में समझ गए और लोगों फोगो हाइड करना मत सिखाओ कि लोगों ऐसे हाइड कर लो या लोगो ऐसे हटा लो कभी भी कुछ मत सिखाओ समझ गए वीडियो एंड बनाओ काइन मास्टर के ऊपर लेकिन उसमें थोड़ा अंदर कुछ मत दिखाओ थमने में कुछ भी रहे लेकिन अंदर कुछ मत दिखाओ कान मास्टर के बारे में समझ गए या कहीं पर लिंक वगैरह दे दो कि भाई आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो ऐसा आप बता सकते हो समझ गए so, आप क्या समझे कि आपको किसी भी देखो वेबसाइट का लिंक नहीं देना है समझ गए जो भी पेड होती है, उनके वीडियो आपको कभी नहीं बनाना कि आपको फ्री में डाउनलोड कर लो यहां से कर लो वहां से कर लो ऐसा आपको नहीं देना है क्या समझे आप लोग समझ गए कि नहीं समझे कि आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया की वीडियो डाउनलोड करना मत सिखाना या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जो पेड हो उसके बारे में कभी भी आप ये मत बताना कि आप यहाँ से फ्री डाउनलोड कर लो वहाँ से फ्री डाउनलोड कर लो तो ऐसा आप लोग कभी मत सिखाना क्योंकि यूट्यूब के उल्लंघन के खिलाफ होती है कम्युनिटी गाइडलाइन के उल्लंघन के खिलाफ होती है जिससे आपको स्ट्राइक पड़ सकती है एंड आई एफ की आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय